Shut up. चलिए फिलहाल बाहर के नज़ारे दिखाते हैं आपको कैसा है। ओ भाई और कल शाम को ना रात को हम लोग यही सोच रहे थे ऋतिक और मैं कि यार हम लोग यहाँ आ तो गए हैं पर नज़ारे कुछ दिखे नहीं। कल भी पूरा दिन हमारा ऐसे ही रहा और आज फाइनली चौखंबा आपके फ्रंट ऑफ व्यू में। चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मधुमेश्वर वैली की खूबसूरत पहाड़ों से अपने यूट्यूब चैनल एस जे हिमालयन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए दिन के साथ और नई सुबह के साथ। फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है, ये वाला साइड ना पूरा क्लाउड नीचे है और हम लोग पूरा ऊपर है और सामने साइड पर अभी ना क्लाउड आ ही रहा है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे और यहाँ पे है छानी जो लगभग लोकल ही है हमारे इधर से और पानी यहाँ पे काफ़ी दूर है। अब पानी का जुगाड़ कैसे करें, ये मतलब ठीक है। अभी मैं थोड़ा एक टॉप पे आया हूँ और यहाँ से थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। बाकी अभी लगभग 8:30-9 तो हो ही गया है और अभी चल रहा है अपना जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में चल रहा है अभी ना तो हमारी खिचड़ी है, लगभग खिचड़ी हमारी ना दो दिन से चल ही रही है। घास ना कल मैंने रास्ते में देखी थी और उसके बाद कल मैं जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे उस टाइम पे मुझे ध्यान आया था छांस होती तो कम से कम खाया जाता। क्यों भाई मुकेश भाई, तो चलो फिर नाश्ते का मजा लेते हैं। तो अभी ये टेंट फोल्ड करना है, ये टेंट है मेरे पास और बाकी सामान पूरा रेडी है, इसको फोल्ड करते हैं जल्दी से जल्दी बाकी निकलते हैं हम लोग। फिलहाल अभी हम लोग काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं और ये है हमारा सेकंड स्टॉप वाटर ब्रेक का और धीरे धीरे सभी लोग आ ही रहे हैं, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पहुँच गए, बाकी डोली पहुँच गई ऊपर और अभी हम लोगों को जाना है इस वाली जगह। तो जैसे ही हम लोग आगे बिनाकदार से आगे मूव किया ना वैसे ही देखिए आपके फ्रंट ऑफ व्यू में ब्रह्म कमल मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी सभी लोग काफ़ी खुश हैं भाई, ब्रह्म कमल भी दिख गए और बाकी चलते हैं हम लोग भी। तो फिलहाल जैसे ही हम लोग यहाँ द्वारीधार पे पहुँचे और अभी जस्ट इससे पीछे थे हम किस पे विनायक धार पे थे, तो विनायक धार से लगभग यहाँ पे पहुँचने में हमें लगे अप्रॉक्स आपका 10 मिनट लगा होगा और थोड़ा सा अफिल है, वैसे फ्लैट एरिया भी है। तो यहाँ पे पहुँचते ही ना पीछे जितने भी ये पत्थर रखे हुए हैं ना, पहले तो यहाँ पे स्लाइडिंग एरिया है और यहाँ पे ये पत्थर रखे हुए हैं ये वाले,
इधर साइड भी पत्थर रखे हुए हैं। ये निशानी है कि जो लोग ना इस यात्रा पे आते हैं और उनके जिनके जिन पे ज़्यादा ही बीत जाती है ना, वो लोग इसके बाद यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, तो वो लोग इस टाइप से पत्थर रखते हैं। ये मान्यता है पहाड़ों में, जो मतलब मानते हैं कि इस टाइप से पत्थर रखते हैं और इसके बाद इस ट्रैक को नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रखी जाती है और इसके बाद आएगा नीचे सिला समुद्र आएगा और यहाँ से ना पूरा डाउनहिल है। तो अफिल से ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है डाउनहिल चलना टफ है, क्योंकि जो घुटने होते हैं ना, घुटने पूरे घुटनों के बल पूरा चलना होता है और घुटनों पूरा जो सपोर्ट देता है वो पूरा घुटना ही देता है। और बाकी पीछे का नज़ारा, पूरा क्लाउडी मौसम हो गया और पूरा ये एरिया पूरा ना वाइट आउट हो गया। ऐसा लग रहा है कि किसी वाइट बैकग्राउंड पे ना मैं शूट कर रहा हूँ अभी। तो ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं। कैसे हो भाई सब लोग? मज़े में। अरे जोर से बोलो, ऐसा लग रहा है कि मज़े में। चलो भाई, बाकी बाबा जी भी हैं, नमो नारायण। बाकी चलो फिर चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग सिला समुद्र की ओर मूव कर रहे हैं और यहाँ की जो कुछ कहानियाँ हैं, जो पौराणिक जो कहानियाँ हैं, वो हैं आपकी जो अछरी वगैरह रहती है ना पहाड़ों में, जो देवी देवता होते हैं और जो पहाड़ों में जो अछरी वगैरह होते हैं उनका वास यहाँ रहता है और वो यहाँ पे रहते हैं। और जब गाँव में जब देवी देवता नाचते हैं, मतलब जब उनको नचाया जाता है, तो तब जाके वो यहाँ से गांव की ओर आते हैं और फिर लास्ट में जो मतलब बाजे लगते हैं और उसके बाद उनको यहाँ पे भेजा जाता है। तो फिलहाल अभी पानी भी मिल चुका है और अभी है बिस्किट वगैरह खाने का टाइम, तो बिस्किट वगैरह खाते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर निकल जाते हैं। बिस्किट वगैरह खा के थोड़ा सा एनर्जी आ गई है और थैंक यू सो मच भाई जी की जो नानी है ना, नानी ने बिस्किट दिए थे सभी के लिए, तो नानी जी के लिए भी थैंक यू सो मच। और बाकी हम लोग भी निकलते हैं सिला समुद्र से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की ओर। तो चलिए फिर। और पानी पत्थर के बीच से ना निकल रहा है ऊपर, पता ये खेत्रपाल गाड़ी में पानी। अच्छा, खेत्रपाल जो हमारे देवता है ना। हाँ, बाबा ने निकाला ये पानी। अच्छा, खेतरपाल बाबा ने निकाला था ये पानी। तो फिलहाल अभी हम लोग ना जैसे ही सिला समुद्र से डिसेंड किया, अभी हम लोग पहुँचे हैं कुलणी पास पे। और कुलणी पास का जो मतलब है वो है जो पहाड़ों में जैसे हम लोग रुपाई करते हैं ना, और जो नहरें बनी रहती हैं, कूल बनी रहती हैं, उसको बोलते हैं कुलणी। और ये भी एक पास है और नीचे पूरी ना कूले वगैरह बनी हुई है। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हैं इस वाले रिज से डाउन वे, और यहाँ से निकलते 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 इस वाले रूट से यहाँ पे पहुँचे हैं। और अंशी भाई भी पहुँच गए और भाई भी पहुँच गया, और बाकी हमें अभी जाना है इस वाली ट्रेल पे जाना है जो सामने रूट बना हुआ है ना, यहाँ पे जाना है। और वहाँ के बाद पता चलेगा कि जाना किधर है। कुछ लोग पहुँच गए इधर, तो बुग्याली घास शुरू हो गई भाई, काफ़ी मतलब कल से शुरू हो गई थी। फिलहाल अभी हम लोग एक टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिया हमने एक छोटा सा वाटर ब्रेक, और नीचे जहाँ आपको वाइट आउट दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे है धन राशि। और उसका जो मीनिंग है वो लगभग पहाड़ों में, और जैसे जो धान होती है ना, जो वेस्टेड जो धान होती है, होता वो धान की तरह है, पर उसको इस जगह को ना वो नाम दिया गया, धन राशि नाम दिया गया है। जैसे कि आप लोगों ने पांडवसेरा का अगर किसी ने ट्रैक किया है, तो वहाँ पे जो खेती होती है, चाहे आपको किसी भी चीज़ का हो, गेहूँ हो, जौ हो, या फिर ये आपका मंडवा वगैरह हो, कुछ भी हो, उस टाइप से ना पूरी खेती यहाँ नीचे बनी हुई है। हम लोग अभी वहाँ जा नहीं सकते। तो फिलहाल अभी हमारे भाई बहन लोग भी मरणा माई के दर्शन करके आगे। भाई कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया? बहुत मज़ा। और व्यू वगैरह कुछ बहुत सुंदर, क्लाउड था सुबह, बिल्कुल मौसम साफ हमारे। तो फिलहाल कुछ लोग हैं इधर। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल? हाँ भाई छोटे, प्रणाम भाई, क्या हाल चाल? हाँ कन रे,
बस बढ़िया रहे। और क्वेश्चन तो फटवा जी होना चिंता तेरे। चलो बढ़िया रहा इन लोगों का भी। तो जो आपको ये टॉप दिखाई दे रहा है ना, ये गोल जैसे आपको घास दिखाई दे रही है पूरी ऊपर से नीचे तक, तो इसको इसको बोलते हैं। नमस्कार सर। नेता कर रहा है ना। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। ठीक ठाक। बढ़िया। कंट्री ट्रैक की रहा है। मजा। और पटवाल जी किधर है? पटवाल जी आ रहे हैं पीछे से। अच्छा, गप्पे लगाते लगाते। और बस जय माता की। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया भाई जी, मजेदार मजे में। तो कैसा रहा पटवाल जी आपका ट्रैक? ठीक रहा यार मलिक, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार। और नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। और सब ठीक? मौसम मौसम तो ऐसे ही है लगभग, पता नहीं। बाबा पानी की बोतल निकल गई। हम लोग पहुंचे हैं दगला बुग्याल में, और यहाँ नीचे है जो भेड़ बकरियों का जो छानी है ना वो है। तो चलते हैं। काफी थक भी चुके हैं। और दीपक थक भी गए हैं वैसे तो। ये कंधा ना ऐसा लग रहा टूट गया कसम से। तीन दिन से ये बोझा मतलब पीठ पे लदा है तो लदा है ना, इससे कम हो रहा और ना ये कोई खाने के लिए तैयार है। बाकी डेली खिचड़ी खिचड़ी चल रही है, बाकी चावल तो मेरे हमेशा ऐसे ही चल रहे। वो मैंने रांची से वो चावल अपने साथ रखे हुए हैं ना, अभी तक वो चावल मेरे पास है और उन्हीं चावलों को मैं डेली ढोता जा रहा हूँ। अब पता नहीं लास्ट में अगर मैं रांची तक ले जाऊँगा ना, सीधे घर ले जाऊँगा मैं तब। हाँ भाई, आटा का कट्टा। हाँ, और पूरा ना 10 किलो का आटा का कट्टा रांची से अभी तक भाई के पास है। भाई को मानना पड़ेगा, पतीला है, बहुत कुछ है, मानना पड़ेगा भाई को भी। आराम आराम। चलो तो अभी यहाँ पे हमारे स्लोप वाले यहाँ का क्रॉस करना है भाई, और उसके बाद आगे। किधर जाना है किसी? सो फाइनली हम लोग मतलब जो मरना माई का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है हम सभी लोगों का, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ऊपर रिच पे पहुँच गए, अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है ना, डिसेंट जाना है। तो चलते हैं, डिसेंट कर रहे हैं। और कल की टेंशन यही है कि इसको पार कैसे किया जाए। और बाकी रही रिवर की बात, तो रिवर पे ना एक पुल लगा रखा था, वो पता नहीं किसने गिरा दिया नीचे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रैक करते होंगे उन्होंने ही किया होगा ऐसे। बाकी किसको क्या बोल सकते हैं, जिसकी जितनी समझ होगी वो उतना ही करेगा। बाकी चलते हैं। और वैसे हम लोगों को यहीं से जस्ट बाहर निकलना था तो हम लोग आसानी से पहुंच जाते, पर वहां पे किसी ने पुल तोड़ा हुआ है और हम लोगों को अभी ऊपर जाना पड़ेगा, इधर कोने में जाना पड़ेगा, यहां से निकलना पड़ेगा। और हम लोग इसे बोल सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जो मंदानी वैली है इसे भी हम वैली ऑफ फ्लावर के नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ढेर सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो फाइनली सभी लोगों ने ना ये रिवर को क्रॉस कर दिया है, और ये पानी इतना ठंडा है कि 2 सेकंड में ना पांव सुन्न हो जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो फिलहाल अभी अपना जो टेंट वगैरह है वो हम लोगों ने पिच कर दिया है, और ये हमारा पूरा सामान इधर अंदर ही आ गया। बाकी अपने पैरों की हालत ना डेली ऐसे ही रहती है, ये देखिए ऐसे लग रहे ना ये पैर, पता नहीं कब से ये ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं ना शूज़ बहुत बेकार है। अभी तो ना पानी में वैसे भी भीग गए थे हम लोग, पर वैसे भी ये दिन भर से ऐसे ही गीले हैं और हालत ही और की है। अभी जो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 15-20 मिनट ही हुए, Thank you.
तो फिलहाल अभी जैसे हम लोग लकड़ियों के लिए जा रहे हैं, वैसे ही कल का कुछ प्रोग्राम अभी फिक्स नहीं है। तो कल का सीन कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग कल यहाँ से मूव करते हैं तो कल सुबह को पहले पूजा वगैरह होगी और तब जाके माँ मरना माई की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी आगे के लिए। तो वो डिपेंड है कि जितने भी पंच लोग आ रखे हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, और बाकी मौसम भी काफ़ी मतलब इसमें अहम योगदान है मौसम का। तो ऋतिक भाई क्या कर रहे हो जी? चिंता बना फिलहाल है। आगे था बाबा ठंड होने वाली। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना, हम लोग टेंट पे थे और खाना बन गया था, हम लोगों को पता ही नहीं चला खाना कब बना और खाने भी बैठ गए, भैया तो खा रहे हैं। तो अभी ना हम कल से खिचड़ी पे चल रहे थे और आज रोटी है, दाल चावल है, तो कल खाना खाते हैं। तो बाद में छाँस भी है साथ में, तो छाँस के साथ ना थोड़ा कुछ अलग ही फील आएगा, तो खाते हैं पहले।